अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ अमान खान, आई एम फ्रॉम मुल्तान। आई होप ऑल ऑफ़ यू गुड एज़ वेल। तो यार बहुत दिन हो गए फूड व्लॉगिंग नहीं की, और मुझे फूड व्लॉगिंग का कुछ ज़्यादा ही शौक है। बेसिकली आई एम अ शेफ़, तो गए थे इधर मदीना यखनी पुलाव, जो कि मुल्तान में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो इधर का सुना है कि यखनी जो पुलाव है इनकी, वो बहुत ही ज़्यादा वायरल है। मुल्तान में लोग बहुत खाते हैं, और फूड पांडा तो इस तरह चलता है ना उनका, जिसकी कोई हद नहीं। तो चलते हैं और ट्राई करते हैं, और कैसा लगा वहाँ का एक्सपीरियंस आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं। ये मदीना यखनी पुलाव इनकी सेकंड ब्रांच है गार्डन टाउन में, जो कि मेरे घर के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक था। तो इधर मेरा जाना हुआ, और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे एक रेट लिस्ट बनी हुई होती है, उससे आप अपनी जेब के लिहाज से चीज़ें चूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। ये नहीं होता कि बाद में टैक्सीज लग जाएँ। तो ये है इनकी मदीना यखनी पुलाव, और देख रहे हैं हम जैसे कि बिल्कुल ही गर्म गर्म हमारे सामने आई थी, और रहा नहीं जा रहा था इसको टेस्ट किए बगैर। तो जब इसकी मैंने एक बाइट ट्राई की ना यार, बहुत ही ज़्यादा औसम, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इनका जो नाम है ना, वो इसी डिश की वजह से बहुत ज़्यादा भाई। जो दूसरी अपडेट से देख रहे हैं, ये जो हमारे सामने पड़ी हुई है अफ़गानी बीफ पुलाव। अफ़गानी बेसिक यार पठानों की तैयार करदा डिश है। जो चीज़ मैंने पिशावर में खाई थी ना सवा जाते हुए, यानी कि अफ़गानी पुलाव, उस जैसी लज्जत तो मैं यहाँ ले नहीं सका। मगर यखनी पुलाव बहुत ही ज़्यादा उम्दा थी, बहुत ही ज़्यादा आउट क्लास इसे कहते हैं मदीना यखनी पुलाव की। और बीइंग आरएचएस फैंस हैं, अच्छा लगता है आरएचएस हमें, तो उसकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। ये मेरा दोस्त है वसीम, आरएचएस बनने की फुल फुल कोशिश, और ये बेशक से इनकी भी बहुत कम नहीं थी, जायका बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मगर कंपेयर टू एज़ जो पेशावर, जो पठानों का जो बनाया हुआ होता है ना यार फूड, वो बस लज्जत से भरपूर होता है। और मैंने इसको रायता डाल के जब खाया ना, मुझे मज़ा आया, और मैंने भी कोशिश की कि मैं आरएचएस फ़ैन बनने की कोशिश करूँ। और ये वीडियो थोड़ी सी ओल्ड है, अब मैंने कटिंग वगैरह सब कुछ करवा लिया है, तो मैं थोड़ा सा हेल्दी लग रहा था, थोड़ा सा स्मार्ट हो रहा हूँ। और इसके अंदर होते हैं अफ़गानी पुलाव बेसिकली होते हैं, इसके अंदर काजू, पिस्ता, बादाम, और दोस्त हो और उससे थोड़ी सी मोहब्बत हो तो इसे इस तरह खिलाना अच्छा लगता है, बेगम ना हो उससे पहले। तो यार कभी भी आप आए मुल्तान तो मदीना यखनी पुलाव ज़रूर ट्राई करिएगा जी। ये था इधर का फूड पॉइंट, और आप कभी मुल्तान आए तो यार इसको ज़रूर ट्राई करो। और तब तक लिए मुझे इजाज़त दें, और लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर देना। और वॉल्स वाला पुरानी हरकत है, बचपन है, घर में हूँ तो वीडियो बनानी थी, इन्जॉय कर लेना साथ में।